गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 4, द बंडल ऑफ स्टिक्स. क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स. ए, द ओल्ड मैन हैड ब्लैंक सन. ओल्ड मैन को कितने बेटे थे? 4, 2, 3 और 5. तो राइट आंसर विल बी 4. नेक्स्ट, द बॉयज ब्लैंक विथ ईच अदर ऑल द टाइम. क्वारल, प्लेट, शेड, टॉक. तो राइट आंसर विल बी क्वारल. हमेशा एक दूसरे के साथ झगड़ते रहते थे. नेक्स्ट, वन डे द ब्लैंक फेल सिक. सन, ओल्ड मैन, फादर या मदर. तो राइट आंसर विल बी ओल्ड मैन. एक दिन जो बूढ़ा आदमी था वो बीमार पड़ गया था. नेक्स्ट, द ओल्ड मैन आस्क्ड द सन टू ब्रिंग हिम अ बंडल ऑफ ब्लैंक. स्टिक्स, क्लोथ्स, न्यूज़पेपर और है. द राइट आंसर विल बी बंडल ऑफ स्टिक्स. नेक्स्ट, द ओल्ड मैन वॉन्टेड हिज सन टू ब्रेक द बंडल ऑफ स्टिक इन टू ब्लैंक. 2, 3, 4 और 5. द राइट आंसर विल बी इन टू 2. बंडल ऑफ स्टिक को दो हिस्सों में ब्रेक करना. क्वेश्चन नंबर 2, पुट करेक्ट इफ द सेंटेंस इज करेक्ट और अक्रॉस इफ इट इज रॉन्ग. ए, द यंगेस्ट सन फेल इल. तो दिस सेंटेंस इज रॉन्ग. ओके, जो छोटा बच्चा था वो बीमार नहीं हुआ था, उसके पापा जो ओल्ड मैन थे वो बीमार हुए थे. द सन्स क्वारल ओनली फॉर फूड एंड क्लोथ्स. तो दिस सेंटेंस इज रॉन्ग. सन्स क्वारल इन ईच एंड एवरी थिंग. सभी थिंग में वो लोग झगड़ा करते रहते थे. फूड के लिए, क्लोथ्स के लिए, खेलते समय, खाना खाते समय. ओके, द ओल्ड मैन ब्रॉट अ बंडल ऑफ क्लोथ्स. तो दिस सेंटेंस इज ऑल्सो रॉन्ग. ओके, नेक्स्ट, द सन्स ब्रोक द बंडल इंटू 2. तो बंडल को दो हिस्सों में बेटों ने तोड़ दिया. तो ये भी गलत है, नहीं तोड़ा था. ओके, नहीं तोड़ सके थे वो. इन द एंड द सन्स प्रॉमिस नेवर टू क्वारल अगेन. ओके, तो ये सही है. लास्ट में बेटों ने प्रॉमिस किया कि आज से कभी भी वो झगड़ेंगे नहीं. नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग. द ओल्ड मैन, तो द ओल्ड मैन के साथ आएगा बंडल ऑफ स्टिक. द फोर सन्स, तो द फोर सन्स के साथ आएगा क्वारल, क्योंकि वो हमेशा झगड़ते रहते थे. द ओल्डेस्ट सन, तो द ओल्डेस्ट सन के साथ आएगा बीट. उसने कहा था मैं तुम्हें बीट, आई विल बीट यू. एंड द यंगेस्ट सन, तो वो आएगा पंच, क्योंकि उसने बोला था आई विल पंच यू, दैट्स वाई पंच. नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. तो ये क्वेश्चन आंसर अभी हम स्टार्ट करते हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड द फोर सन्स डू ऑल द टाइम. चारों बेटे थे वो हर वक्त क्या करते रहते थे. तो आंसर विल बी द फोर सन्स स्पेंड ऑल द टाइम इन क्वारलिंग. क्वारलिंग यानी कि हमेशा एक दूसरे के साथ झगड़ते रहते थे. नेक्स्ट, वाई वॉज द ओल्ड मैन अनहैप्पी. जो बूढ़ा आदमी था वो नाखुश क्यों था, सैड क्यों था. तो द ओल्ड मैन वॉज अनहैप्पी बिकॉज हिज सन्स वर क्वारलिंग ऑल द टाइम. हर वक्त उसके बेटे झगड़ते रहते थे एक दूसरे के साथ. क्वेश्चन नंबर 3, वॉट डिड द ओल्ड मैन वॉन्ट टू टीच हिज सन. ओके, तो जो बूढ़ा आदमी था वो अपने बेटे को क्या सिखाना चाहता था. तो आंसर विल बी द ओल्ड मैन वॉन्टेड टू टीच हिज सन अ लेसन ऑफ यूनिटी. ओके, एकता का लेसन, एकता का पार्ट वो सिखाना चाहता था. क्वेश्चन नंबर 4, वर द बॉयज एबल टू ब्रेक द बंडल ऑफ स्टिक्स. ओके, लड़कों ने ट्राई किया वो लकड़े के बंडल को तोड़ने का, वो तोड़ पाए थे. तो नो. ओके, द बॉयज वर नॉट एबल टू ब्रेक द बंडल ऑफ स्टिक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एंड व्हाट वॉज द ओल्ड मैन्स एडवाइस टू हिज सन्स. ओके, लास्ट में बूढ़े आदमी ने अपने बेटे को क्या एडवाइस दी, क्या सलाह दी. तो द ओल्ड मैन एडवाइज्ड हिज सन टू
स्टे यूनाइटेड ऑलवेज, हमेशा एक साथ रहने की सलाह दी, टुगेदर रहने की सलाह दी। लास्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक द मोरल ऑफ द स्टोरी इज यूनिटी इज स्ट्रेंथ? तो येस, आई थिंक द मोरल ऑफ द स्टोरी इज यूनिटी इज स्ट्रेंथ, क्योंकि ये एकता के बारे में ये पूरा लेसन था, तो एकता ही हमारी ताकत है, तो द मोरल ऑफ द स्टोरी सही है। ओके, तो ये क्वेश्चन आंसर का फोटो मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी। आपका होमवर्क क्या है वो मैं बता देती हूँ। आपको इंग्लिश की नोटबुक में क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 2, पुट अ टिक करेक्ट इफ द सेंटेंस इज करेक्ट और अ क्रॉस इफ इट इज रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 3, मैच द फॉलोइंग। एंड क्वेश्चन नंबर 4, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सो क्वेश्चन 1-4 आपको इंग्लिश की नोटबुक में लिखना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।